दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, करेक्ट भी है, लेकिन जब घर वाले साथ में रेडी हो जाए ना, मतलब उनकी सहमति मिल जाए, तो देन इट बिकम्स दिस वन हैप्पी वेडिंग। और मेहंदी वाला घर में फाइनली मौली और रजत की शादी हो रही है, तो घर वालों की रजामंदी से। जब आसमान पर अर्श के साए में दुआ कबूल होती है, तो मानो दुआ मांगने वाले की जिंदगी में खुशियों की बारात आ जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ है राहुल की जिंदगी में, क्योंकि लाख मेहनत मशक्कत के बाद, घर वालों से लड़ने झगड़ने के बाद, हजार कठिनाइयां पार करने के बाद, आखिर राहुल की जिंदगी में मौली ने दुल्हन बनकर कदम रख ही दिया। की शादी फाइनली हो रही है, बेचारा 5 महीने से लड़ रहा है, झगड़ रहा है घर वालों से, बाहर वालों से, अपने आप से, बहुत लड़ा, बहुत रोया, पर फाइनली हो रही है शादी। बहुत खुश है मौली राहुल दोनों, परिवार में, परिवार के बीच सबकी हाँ मिलने के बाद उन्होंने शादी की है, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि कोई नहीं मान रहा है, तो राहुल थोड़ा सा इम्पल्सिव है, उसने सोचा था हम भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन मौली को भरोसा था कि फैमिली मान जाएंगे, और मान जाते हैं। राहुल और मौली ने बता दिया कि सब्र का दामन अगर ना छोड़ा जाए, तो दुनिया की हर खुशी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। जैसे कि आज मौली दुल्हन बनकर राहुल के साथ खड़ी है घर में प्रवेश करने के लिए। आज मौली और राहुल की आरती उतारी जा रही है, ताकि उनकी नई जिंदगी में सब कुशल मंगल रहे। और आज तो मौली भी बड़ी कमाल की लग रही है, क्योंकि मौली आज बला की खूबसूरत लग रही है। Molly is looking stunning. She's looking very beautiful. इतना अच्छा काम किया है अभी तक, and what a lovely actress to be working with also. हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये नेकलेस, मुझे हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट मिला है। नॉर्मली मिडिल पार्टीशन रखती है मौली, उन्होंने साइड ट्राई किया है। आई लाइक द लुक, वेरी सिंपल। और ये लहंगा एक्चुअली जानकी माँ का पहनती है मौली। अभी तो मौली की शादी राहुल से हुई है, लेकिन आगे बहुत से इम्तिहान देने बाकी हैं, क्योंकि मेहंदी वाले घर में शादी हुई तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, जैसे मेहंदी अक्सर देती आई है, यानी कि अपना रंग बिखेर कर वो खुद फना हो जाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।